नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और विधानसभा क्षेत्र का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का ये आलंग पड़घरी पंचायत में हूं और आलंग गांव है और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण लोग जो यहां के गांव के जो लोग हैं आप ताश खेल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाँव में जो है ताश को जो है पबजी के रूप से बुजुर्गों का पबजी कहा जाता है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में क्या समस्या है, गाँव में क्या समस्या रही है और खासकर इनके जो अभी वर्तमान के जो विधायक हैं लक्ष्मीकांत मंडल, उनका आना जाना होता है या फिर जो है लक्ष्मीकांत मंडल के कार्यकाल जो रहा है क्या वो कार्यकाल से ये खुश हैं या नहीं है। क्या नाम हुआ सर? ये टेंडर तुम्हारा। कौन सा गेम खेल रहे हैं? कौन नाम क्या गेम का? ये है पबजी। समझते हैं पबजी? जानते हैं लड़का लोग आजकल पूरा खेलता है फोन में पबजी। नहीं जानते हैं? चलिए चलिए ताश भी खेलते रहिए और बात भी हो जाएगी। सवाल मेरा ये है कि आपके जो विधायक हैं लक्ष्मीकांत मंडल विधायक हैं, उनका जो काम रहा है उन काम से खुश हैं? जानते हैं लक्ष्मीकांत? नहीं जानते हैं। इस बार क्या सोचे हैं कि कैसे प्रत्याशी को कैसे नेता को वोट दीजिएगा? इस बार तो इधर का तो यही है आलोक जी। आलोक जी, तो आपके गांव में फिलहाल वर्तमान में समस्या क्या है? चलिए आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीलाल कुमार साहू। आपके जो विधायक हैं उनको जानते हैं? जी जानते तो हैं। कैसा उनका काम रहा है? अभी तक तो जीत कर को जो जब से गया है अभी तक तो चेहरा देखने के लिए जो पब्लिक जो है मोहताज है और ये बात ये भी बात जानते हैं कि विधायक कहाँ का। लक्ष्मीकांत मंडल जानते हैं कि लक्ष्मीकांत मंडल विधायक है नाथनगर विधानसभा से, लेकिन आज तक जीतने के बाद कभी नहीं आया। अभी देख लीजिए हम सबका सबसे पहली मुद्दा यही है कि सब और सब जाते हैं डिलीवरी पर्सन हमारा आदमी यहाँ पे मर जाता है, लेकिन इस रोड के जाकर के देखिए कितना खतरा से हम सब जुल रहे हैं और स्टेशन 10 रुपया दे करके मोटरसाइकिल 2 आदमी उठा करके पार करता है, ओवर ब्रिज का भी बसता है, लेकिन कोई इसमें कोई नेता आता है लेकिन काम नहीं करता है। नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं? नीतीश कुमार को तो चोरबा मानते हैं। वो अपने जो गद्दी पे जो बैठे हुए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री से सब बिलिंग पास करवा कर करके बिहार में पूरा एकदम चारा घोटालों में लगा दिया है, सृजन घोटालों में लगा दिया है, सबौर प्रखंड में पूरा वो नाश करके रखा है कि आज तक देख लीजिए कि मच सबौर से जब चलते हैं घोघा तक, घोघा का रोड देख लीजिए अगर जाम लग जाता है तो 3 दिन जाने में सब समय लग जाता है हम सबको घोघा और ये सबौर। उनका कहना नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन का दावा। सुशासन का सरकार कहाँ है? उसका पलटू दास है नाम, पलटू चाचा जो बोलते हैं। तो बस इस बार क्या सोचे हैं? हम लोग यही सोचे हैं, एक बच्चा सोचे हैं, एक विद्यार्थी सोचे हैं, नौजवानों ने सोचे हैं, बूढ़े ने सोचे हैं कि रेलवे लाइन से इधर एक भी वोट दूसरे को मतदान नहीं जाएगा। कैसा नेता इस बार चुनिएगा? सिर्फ आलोक जी को जानते हैं कि रात दिन पसीनों मेहनत से कर करके गांव-गांव में क्षेत्र में घूम करके सैनिटाइज करवाया। अभी तब तो हम सब नहीं जानते थे लेकिन आ कर करके मेरे गांव में सैनिटाइज, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे घर हो, चाहे गौशाला हो, सब कुछ सैनिटाइज किया। कोरोना में बहुत लोग को मदद किया है, हम लोग उसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी उठाना पड़े कदम को हम लोग उठाने के लिए तैयार है 30 तारीख तक। लेकिन इस क्षेत्र से जो भी विधायक बन के गए हैं उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा मेरी तरफ से। आप तो बिल्कुल नेता जैसा भाषण दे दिए। अच्छा चलिए और भी लोग हैं इधर, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवाओं की तो खैर राय हो गई, और भी बुजुर्ग लोग हैं इनसे भी बातचीत हो जाए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अवध बिहारी सिंह। अवध बिहारी सिंह, कितना उम्र हो गया आपका? 80। 80 साल? बाप रे, 80 साल में तो बहुत सारा चुनाव देखे होंगे। मकबूल हुसैन से लेकर सदा चुतिया। अच्छा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी उस समय होश था आपको? हमारे सामने सब होश है। इंदिरा गांधी क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा नीतीश कुमार क्या किया ये बताओ? कुछ नहीं, ये अभी दिल्ली वाला कुछ किया है, नहीं को कुछ नहीं किया। इस बार क्या सोचे आपके क्षेत्र में? इस बार तो विधानसभा का चुनाव होने, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे नेता लोग खड़े हुए हैं। हम आपको नाम भी बता देते हैं, लक्ष्मीकांत मंडल जो आपके अभी के विधायक हैं वो भी हैं,
उसके बाद सिद्ध राजद से जो है सिद्दकी जी हैं, अमर कुशवाहा जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सोचे हैं इस बात? अभी हम लोग कुछ नहीं सोचे हैं। तो फिर कैसे आपका क्षेत्र का विकास होगा? आप एक नेता सब तब ना। ये जो आपका रोड है, ये रोड की स्थिति क्या ऐसे रहेगा? वो करने वाला नहीं है ना, जीत को जाता तो जीत को जाता है वो घर में सूट जाता है यही। और भी कुछ लोग हैं उधर से, आइए थोड़ा कैमरा। आपका क्या नाम है? नेपाली पासवान। नेपाली पासवान जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जी ठीक काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किया है वो, तो दुर्भाषा को पैसा कौड़ी ऐसे देता है और करता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपका आपका जो विधायक, आपके जो विधायक हैं लक्ष्मीकांत मंडल जी, काम किए हैं? वो तो बूढ़ा है, वो तो थर-थर करता है, कब खत्म हो जाएगा, क्या होगा, वो विधायक रहने वाला है थोड़े, अपने खत्म हो जाएगा। वो आते हैं कि नहीं? कहाँ आते, एक बार नहीं आते हैं। और हमारा जो है आलोक बाबू खून दिया है, 900 ग्राम खून दिया है सब मिला करके हमको, हम जिलाया अपने जेठ जेठ में दिया है आलोक बाबू ने, और जब बुलाते हैं आते हैं यहाँ आलोक बाबू। गांव में समस्या क्या है आपकी, गांव की समस्या? गांव में समस्या बहुत है, रोड है, नाला है, सड़क है, घोगा वाले सबोर वाले, कभी अब 20-30 साल से कुछ नहीं बना है, सब ठेकेदार पैसे खा जाता है, कोई कुछ कर भी नहीं करता है। और अजय मंडल बतुआ है, बतुआ अजय मंडल बतु, वो तो बेकार है, वो तो बतु है, कुछ काम नहीं किया है सर। इस बार क्या सोचे? अरे आलोक बाबू को हम लोग जिताना है ढंग से, बढ़िया से, सब बापूत ने, बूढ़ा बुजुर्ग जितना है, हम लोग नौजवान सब है, सब ने जिताएंगे आलोक बाबू को, जब बुलाते हैं आते हैं। अच्छा, अजय मंडल जो सांसद हैं उनको कैसा नेता मानते हैं? बेकार बतुआ है वो, तो बस बतुआ है वो, बतुआ से कम नहीं है, वो कुछ जानता है पढ़ने के लिए। तो अभी बात करने दीजिए, आपका देखिए इस बार के विधानसभा क्षेत्र नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आपके जो है कौन कौन से नेता खड़े हैं आपको पता है? पता, लक्ष्मी बाबू है इधर, हाँ सिद्दीकी, हाँ जी। इन सभी में से आपको क्या लगता है बेहतर कौन करेगा? हमको तो आलोक बाबू बढ़िया है, सबसे बढ़िया, जब बुलाते हैं रात में भियान को, जब बुलाते हैं आ जाते हैं बेचारे, एक आदमी बुलाता है आ जाते हैं। चलिए और भी लोग हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमाए, आप भी आ जाइए, युवा है, क्या आपका क्या नाम? मेरा नाम ब्रह्मदेव कुमार हुआ। ब्रह्मदेव जी क्या करते करते क्या? स्टडी कर रहे हैं अभी। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन तो फाइनल कर लिए है 2018 में ही, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी का हम लोग को नहीं मिला है, नहीं हम लोग को कोई रोजगार दिया रहा है सरकार। कहाँ से ग्रेजुएशन की? सबौर कॉलेज, सबौर से, भागलपुर तिलकामांझी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तक बैठे स्टडी ही कर रहे हैं, खाली आता है वैकेंसी नाम के आता है, आजकल देख रहे पूरा वही वैकेंसी खत्म कर रहा है सब। बिहार पुलिस का एग्जाम दे, उसमें भी घोटाला ऐसे अभी तक लटकाया हुआ है, रिजल्ट तो निकाल दिया लेकिन दौर का कोई नाम ही नहीं रह लिया। नीतीश कुमार को कैसा मुख्यमंत्री माना? ये तो पूरा फ्लॉप हो गया, ये 15 साल में जो काम किया कुछ नहीं। यहाँ के रोड देख लीजिए आप, सामने रोड कैमरा करके देखिए, यहाँ पे मुहान से जाने, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अगर सबौर निकलने के लिए निकलेंगे तो 2 घंटा लगता है हम लोग को सबौर जाने में, 7 किलोमीटर का सफर 2 घंटा में होता है। आपके विधायक कौन है? विधायक तो लक्ष्मीकांत जी है, लेकिन आज तक उसको हम नजर से नहीं देखे हैं, कहाँ है, कहाँ उसका घर है। इस बार का चुनाव होना है विधानसभा का, विधायक चुनिएगा, कैसा विधायक? हम लोग विधायक ऐसा युवा चुनेंगे जो कि हम लोग के तरह और हम लोग के साथ दे, जैसे आलोक सर जी हुए, ले हम लोग के तरह, कोरोना काल में भी कोई गाड़ी अति सैनिटाइज करने के लिए नहीं आया था, वो अपना स्पेशल एक गाड़ी दे के गया था इस क्षेत्र में और सैनिटाइज पूरा क्षेत्र हुआ। अजय मंडल आपके सांसद हैं, उनको कैसा नेता मानते? वो तो और है, वो अजय मंडल को तो हम आज तक देखे नहीं किया ना, उसको हिंदी बोलने कलू रहे तो उसके सांसद क्या हुआ, जो कि सांसद में वो अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकता तो उसको सांसद कैसे मानेंगे हम, जो कि आज तक वो बोला तो 90 दिन में NH-80 को हम बना देंगे, तो आज 90 दिन के साल 2 साल गुजरने वाला है, ना NH-80 का हाल वही है, जाम से मुक्ति नहीं मिल रहा है हम लोग को, रोड अभी जाएंगे तो मौत के मुँह से निकलना पड़ता है वहाँ से होते हुए। समस्या तो NH-80 का खैर है ही, और कोशिश करते हैं कि ताश मंडली के लोगों से बात की जाए, आइए थोड़ा सा कैमरा घुमाइए इधर आइए। कौन सा चचा गेम खेल रहे हैं? 28 खेल रहे हैं। चलिए खेल खेल भी जारी रखिए और बात भी थोड़ी बहुत हो जाए।
आपके विधानसभा का चुनाव होने हैं, आपके जो विधायक लक्ष्मीकांत मंडल है उनका जो काम हुआ है अभी तक में खुश हैं? कोई खुश नहीं है ना। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार जो ओवर ब्रिज हम लोग को दे देगा नहीं, उसी को वोट मिलेगा। ओवर ब्रिज का आप लोगों का रोड की समस्या आप लोगों की रही है? रोड तो खत्म है, रोड है नहीं तो सब खत्म कहाँ है। अच्छा, बोलने दीजिए इनको भी, बोलने दीजिए। तो इस बार आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, खड़े भी हैं विधानसभा का विधायक बनने के लिए, कैसा प्रत्याशी को चुनेंगे, नेता कैसा चुनेंगे? नेता जो हमको रोड दे देगा तो दोनों तरफ से वही को चुनेंगे। अच्छा, ये रोड का जो है समस्या आपके गांव में जो है ज्यादा बड़ी समस्या है? रोड का समस्या है। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार कैसा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो वो कोई काम का ही नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, विधायक लक्ष्मी, वो तो अभी उसे ढंग से बुजुर्ग हैं, उसमें क्या कीजिएगा उनको। क्या सोचें? हम बदलाव सोच रहे हैं। कैसा प्रत्याशी, कैसा नेता? नेता यंग होना चाहिए, यंग होना चाहिए। खेल का बंद कर दीजिए, जारी रखिए। तो सबसे बड़ी बात आ रही है, इस क्षेत्र में रोड की समस्या है और लोग जो है बदलाव की कगार पे हैं। एक सवाल और आपसे रहेगा, सांसद सांसद अजय मंडल को कैसा मानते हैं? अजय मंडल वो भी लायक नहीं, जितना बार जीत के गए हैं लेकिन एक शक्ल देखने के लिए नहीं है, वो कैसा रंग का है, कैसा रूप का है, कभी हम लोग देखे भी नहीं है उनको। तो इस बार बदलाव होगा? हाँ, इस बार बदलाव होगा, हम लोग सोचे हैं। बदलाव में कौन? अपना जो आते हैं अलग भैया है। बड़ा जल्दी। चलिए, खासकर यहाँ पर ये जो है देखा जाए तो सभी लोग बदलाव की कगार पे हैं और गांव की जो समस्या है, गांव की मुख्य सड़क जो है, और ये सड़क सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की। और युवा थे और बुजुर्ग लोग थे, सभी तबके के लोगों से मैंने जानने का कोशिश किया कि क्षेत्र की समस्या क्या है, वर्तमान के विधायक के कार्यकाल क्या रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। फिर हम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के किसी दूसरे गाँव से जनता के बीच होंगे, गाँव वालों के साथ होंगे और वहाँ की क्या समस्या है, लोग क्या चाहते हैं, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।